ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलन। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आया है जिसमें बताया गया है जनरल टिकट को लेकर। अब जनरल टिकट आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बुक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली आ जा चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है UTS। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपल सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का। सिंपल आपको करना है, क्लिक करने के बाद फर्स्ट में आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है, सेकेंड में आपको नाम टाइप करना है, इसके बाद आपको थर्ड में आपको पासवर्ड टाइप करना है। तो अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपल जनरल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट द UTS पे क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल कर लेना है। तो मैं देखते हैं कब तक हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आता है, तो हमें वेट करना होगा। देख सकते हैं हमारे मोबाइल पे एक OTP आ चुका है। ऑटोमेटिक आपको ऑटो पे फिल हो चुका है। यहाँ पे देख भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई है, मैसेज आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम ओके हैं। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बना रखे वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं फटाफट पासवर्ड भी टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपल लॉगिन कर देना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारा यहां पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट में आपको मिल जाएंगे नॉर्मल टिकट, सेकेंड में क्विक बुकिंग, थर्ड में आपको प्लेटफार्म बुकिंग। तो यहां से आप प्लेटफार्म टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बुक करना है नॉर्मल टिकट, यानी कि अनरिजर्वेशन ट्रेन टिकट बुकिंग करना है। तो हमें सिंपल क्या करना है, नॉर्मल बुकिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको मिलेंगे बुक ए ट्रेवल, सेकेंड में मिलेगा बुक एंड प्रिंट, यानी कि फर्स्ट में मिलेगा आपको बुक एंड ट्रेवल। यानी कि आप यदि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो टिकट यदि बुक करेंगे तो ये जो टिकट आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बुक एंड प्रिंट पे, तो आपको प्रिंट आउट निकलवा के दिखाना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट में मैं आपको बुक एंड ट्रेवल्स पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें जाना है तो हमें स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमारा जो नियर बाई स्टेशन जो है दिल्ली आज़ादपुर दिख रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। हमें जाना कहाँ पर, पुरानी दिल्ली जाना है। तो मैं यहाँ पर पुरानी दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको देख सकते हैं अडल्ट, आप कितने व्यक्ति जाना चाह रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करना है। सिंपल मैं सिंगल हूँ तो सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद चाइल्ड है तो चाइल्ड का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टिकट टाइप से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ट्रेन टाइप सेलेक्ट करना है, मेल एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट है। तो मैं यहाँ पे मेल एक्सप्रेस है तो मेल में एक्सप्रेस में सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद क्लास सेलेक्ट करना है तो क्लास भी आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आता है लास्ट में हमें पेमेंट टाइप्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे रेलवे, सेकेंड में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सिंपल मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दिल्ली से आज़ादपुर के लिए टिकट है, सिंगल ट्रेन है। यहाँ पे चाइल्ड यहाँ देख सकते हैं 0 दिखा रहा है, सेकेंड क्लास में है, जोनी भी देख सकते हैं। इसके बाद मेल एक्सप्रेस देख सकते हैं। तो यहाँ टोटल फेयर जो यहाँ पे 30 रुपीज़ का दिखा रहा है। तो यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट में आपको पेटीएम, सेकेंड में आपको मोबीक्विक, थर्ड में आपको फ्री रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पेटीएम से पेमेंट करूँगा तो पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम पेटीएम नंबर टाइप करेंगे, इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो मैं फटाफट पेटीएम नंबर टाइप कर देता हूँ। या फिर नीचे की तरफ ये भी देख सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं फिलहाल मैं पेटीएम से पेमेंट करूँगा तो मोबाइल नंबर सर्च कर लिया हूँ। सिंपल हमें प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पे एक OTP आएंगे, OTP हमें फिल करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल पे एक OTP आ चुका है। तो मैं OTP फिल करता हूँ 7841 21। इसके बाद यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा तो ये टिकट हमारा बुक हो जाएगा, हमारे अकाउंट से 30 रुपये 64 पैसे कट जाएंगे। तो इस तरह से आप नॉर्मल टिकट भी बुक कर सकते हैं UTS मोबाइल ऐप से। तो हमें ये टिकट बुक नहीं करना था, इसे हम बैक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी जनरल टिकट यानी कि अनरिजर्वेशन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।